महाविकास आघाड़ी ने 24 अगस्त को एक दिन का बंद बुलाया था। बंद के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका लगाई है, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बंद को असंवैधानिक बताया। इसी के साथ अदालत ने कहा कि किसी भी दल ने अगर बंद बुलाया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं से बंद वापस लेने की शरद पवार ने मांग की है। पवार की मांग को कांग्रेस और शिवसेना नेताओं ने मान लिया है, जिसके बाद आंदोलन को वापस ले लिया गया। हालांकि अब आघाड़ी नेताओं ने शनिवार को सुबह 11 से 12 बजे तक मुंह पर काला कपड़ा बांधकर आंदोलन करेंगे।